इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहे छोटा सर्किट हो चाहे बड़ा सर्किट हो, फ्यूज कनेक्ट किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द डिवाइस और अ सर्किट इन केस ऑफ फॉल्ट इवेंट। मतलब कि कभी भी कोई अबनॉर्मल कंडीशन आती है तो फ्यूज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवाइस होते हैं। फ्यूज खुद तो बर्न हो जाते हैं लेकिन हमारे इक्विपमेंट या डिवाइस को बचा लेते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं लेकिन कभी कभार ऑटो रीसेट भी होते हैं फ्यूज, जब कंडीशन आती है तो सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम फ्यूजेज और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिससे कि इस टॉपिक पे और डीप नॉलेज होगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फ्यूज एंड ड्रॉ इट सिंबल। फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट ओवरलोड एंड इट इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट। इसका मतलब ये है कि फ्यूज होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिकल डिवाइस, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि जो स्प्रिंग होता है उसके थ्रू हमारा NONC कॉन्टैक्ट बनता है और उस टाइम पे हमारा जो फ्यूज है वो बचाता है हमारे सर्किट को इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन। वो एबनॉर्मल कंडीशन क्या होती है, चाहे ओवर करंट हो चाहे ओवरलोड हो या फिर कोई ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जहाँ पे हाई करंट चला जाए। कुल मिला के जो फ्यूज़ का रेटिंग होता है वो एम्पियर में होता है और किसी भी कंडीशन में अगर हाई करंट जाता है और वहाँ पर हम उस रेटिंग का फ्यूज़ लगाते हैं तो उस एबनॉर्मल कंडीशन को सेंस करके फ्यूज़ के अंदर जो मेटेलिक वायर होता है वो खुद बर्न हो जाता है और सर्किट को कर देता है ब्रेक और उस टाइम पे हमारा डिवाइस या फिर इक्विपमेंट सेफ हो जाता है। बात करते हैं सिंबल की, ये है सबसे पुराना सिंबल। इसको ये उसके बाद फिर जब रिवाइज हुआ तो IEEE ANSI स्टैंडर्ड के हिसाब से दो सिंबल अभी प्रेजेंट में है, एक ये है और एक ये है। और IEC मतलब इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के हिसाब से ये वाला सिंबल है। तो ये तीनों सिंबल अभी हमारे यूज़ किए जाते हैं फ्यूज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज। देखिए, फ्यूजेस को इंस्टॉल किया जाता है सीरीज में सर्किट के, जिसको हमने बचाना होता है। और ये होलो डिवाइस जिसमें हम नॉन कम्बशिबल मटेरियल को फिल करते हैं और यहाँ पर होता है लो रेजिस्टेंस वायर, मेटेलिक वायर। जब कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन आती है तो ये जो वायर है वो बर्न होता है और हमारा जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो हमारा आर्क क्वेंच किया जाता है। ये जो नॉन कम्बशिबल हम मटेरियल इसके अंदर भरते हैं, तो देखा जाए तो जितने भी टाइप्स के फ्यूज़ होते हैं सबका कंस्ट्रक्शन में यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये होती है बॉडी, यहाँ पर फिलर होता है जो कि नॉन कम्बशिबल मटेरियल होता है, ये होता है एलिमेंट। अब एलिमेंट वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ फ्यूज़, और ये होते हैं ब्लेड जो हमारे सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं। वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूजेशन में हमारे सर्किट को थ्रू करते हैं, मतलब कि NC बना के रखते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन आती है तो फ्यूज़ ब्लो हो जाते हैं और यहाँ पर बन जाता है NO, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारा करंट आगे नहीं जाएगा, फ्लो ऑफ करंट ब्रेक हो जाएगा। हाउ टू सेलेक्ट रेटिंग एंड साइज ऑफ फ्यूज़। देखिए, रेटिंग फ्यूज़ की स्टार्ट होती है जो हम जनरली इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं थ्री फेज के फ्यूजेज में, वहाँ पे हमारे 1 एम्पियर से लेकर के 6000 एम्पियर तक फ्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो 1 एम्पियर से कम के भी फ्यूज़ आते हैं। अब इसको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है रेटिंग ऑफ फ्यूज़ इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय V इंटू 1.25। तो अगर हम 1000 वोल्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम 1000 वॉट की अगर हम बात करते हैं, 240 वोल्ट हमारा सर्किट है, मतलब कि अगर हम सिंगल फेस जो हमारे घर में सप्लाई आती है उसकी बात करें तो 1.25 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 5.4 एम्पियर आएगा। और अगर हम राउंड फिगर में देखें तो 6 एम्पियर तक का 1 किलोवाट के लिए 240 वोल्ट जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है वहाँ पर इतनी रेटिंग का फ्यूज़ लगता है। ये अब देखिए, अगर हम थ्री फेज जो हम इंडस्ट्री में मोटर यूज़ करते हैं उसमें देखिए जो रेटिंग है वो स्टैंडर्ड रेटिंग ऐसे होती है, 0.25 किलोवाट की अगर मोटर है इसका फुल लोड होगा 0.8 एम्पियर और उसके लिए फ्यूज़ यूज़ होगा 4 एम्पियर। सिमिलर 1.5 किलोवाट की मोटर है तो उसके लिए 16 एम्पियर का फ्यूज़ होगा। अगर हमारे पास 5.5 किलोवाट की मोटर है तो उसके लिए 25 एम्पियर या फिर 32 एम्पियर तक का फ्यूज़ भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन देखी जाती है, स्टार्टिंग करंट जो है वो भी जाता है मोटर का 4 to 5 times इन केस ऑफ डेल्टा, और स्टार के केस में 2 to 3 times जाता है। तो उस टाइम पे भी हमारा फ्यूज़ कहीं बर्न नहीं हो जाए, ये भी ध्यान में रखा जाता है। तो जब हम फ्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड साइज़ जो लिया जाता है 2.5 times के आसपास हमारा फ्यूज़ होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूजेस। बेसिकली तो फ्यूज होते हैं वो, उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके का होता है, वन टाइम ओनली फ्यूज, रिसेटेबल फ्यूज, करंट लिमिटिंग फ्यूज, नॉन करंट लिमिटिंग फ्यूज। तो जो वन टाइम फ्यूज़ होते हैं वो थोड़े चीप होते हैं और इजीली वाइडली यूज़ होते हैं। इसमें मेटलिक वायर होती है, आती है जब कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो यूज़र को जो है फ्यूज़ रिप्लेस करना पड़ता है। रिसेटेबल फ्यूज़ ये जो होते हैं ऑटो रीसेट फ्यूज़ होते हैं, यहाँ पर हमारा जब फॉल्ट आता है तो ये सिस्टम खुद ही ये रीसेट कर लेते हैं और सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। करंट लिमिटिंग फ्यूज़ होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं जब नॉर्मल कंडीशन आती है, जिसकी वजह से वो सर्किट ब्रेक हो जाता है। बहुत ही कम टाइम के लिए ये हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, फिर वापस नॉर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाती है। नॉन करंट लिमिटिंग जो होते हैं वो आर्क प्रोड्यूस करते हैं, कोई अबनॉर्मल कंडीशन आती है और वहाँ पर आर्क क्वेंचिंग का भी एक मीडियम दिया जाता है। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। देखिए जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप की वोल्टेज होती है, एक होती है डीसी और एक होती है एसी, तो फ्यूजेस भी हमारे दो टाइप के ही होंगे, क्योंकि हमारे डीसी सर्किट में भी फ्यूज़ लगते हैं, एसी सर्किट में भी फ्यूज़ लगते हैं। एसी सर्किट में भी हमारे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज फ्यूजेस होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 1000 से नीचे जो वोल्टेज होती है वो लो वोल्टेज मानी जाती है और उसके अलावा हमारी हाई वोल्टेज होती है। और दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे पास इतने टाइप के फ्यूज़ होते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज़, एचआरसी फ्यूज़, हाई वोल्टेज फ्यूज़, ऑटोमोटिव ब्लेड टाइप, एसएमडी फ्यूज़, सरफेस माउंट फ्यूज़, रिवायरेबल, थर्मल और रिसेटेबल। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। पहला टाइप होता है कार्ट्रिज फ्यूज, जिसकी रेंज होती है 600 एम्पीयर और 600 वोल्ट एसी तक ये फ्यूजेस आते हैं। के जो यूजेस होते हैं वो होते हैं हमारे मोटर्स में, इंडस्ट्रियल पर्पस में जो मोटर्स यूज़ होती हैं, एसी में, रेफ्रिजरेटर में, पंप्स में और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस में हम इन फ्यूजेस को यूज़ करते हैं, अप टू 600 वोल्ट एसी जो हमारे अप्लायंसेस होते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा जनरल पर्पस फ्यूज़ जो कि हमारा इसके लिए कोई भी टाइम डिले नहीं होता है, नो टाइम डिले। सेकेंड होता है हमारा हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी में हमारा टाइम डिले दिया जाता है। नेक्स्ट है एचआरसी फ्यूज़। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे फ्यूजेस का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि कोई भी अगर हमारा करंट, हाई करंट हमारा सर्किट में फ्लो होगा तो वहाँ पर जो हमारे बीच की वायर होगी वो हीटिंग करंट की वजह से वो हीट होगी और हमारी वो बर्न हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा सर्किट ब्रेक होता है। तो यहाँ पर होती है हाई हीटेड रेजिस्टेंस मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसमें जो फिलिंग मटेरियल होता है, जो नॉन कम्बशिबल मटेरियल इसके अंदर भरा जाता है जिससे आग ना लगे, वो पीओपी यूज़ करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है वो यूज़ करते हैं। ऐसी फ्यूजेस, हाई रप्चरिंग फ्यूजेस की लाइफ अच्छी होती है और ये ज़्यादातर हमारे इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। ये एचवी में भी आते हैं, एलवी में भी आते हैं। एचवी जो वोल्ट, हाई वोल्ट जो फ्यूज़ होते हैं ये हमारे कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो सिल्वर, टिन, कॉपर, ये सब यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारी रेटिंग हाई होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ किए जाते हैं, जो हमारा पावर सिस्टम है उसमें ज़्यादातर ये इस टाइप के फ्यूजेस यूज़ किए जाते हैं और इसकी रेंज होती है हमारी 1500 वोल्ट से लेकर के 13 केवी तक ये फ्यूजेस आते हैं। जैसे कि हमारी एचटी मोटर्स होती हैं, उस एचटी बोर्ड होते हैं वहाँ पे ये फ्यूजेस यूज़ किए जाते हैं। फिलिंग मटेरियल यूज़ होता है वो यूज़ होता है बोरिक एसिड, जिससे कि हमारी आर्क जो है इजीली क्वेंच हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोटिव ब्लेड टाइप। देखिए जो इनका कंस्ट्रक्शन होता है कुछ ब्लेड टाइप का होता है और ये ज़्यादातर हमारे ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं। इसकी रेंज होती है हमारी 12 वोल्ट से 42 वोल्ट डीसी पे। ओके, ये प्लास्टिक बॉडी के होते हैं और इसमें आपने देखा होगा कि जो आपके टू व्हीलर होते हैं, फोर व्हीलर होते हैं, उसमें भी इस टाइप के फ्यूजेस लगे होते हैं। इनका साइज़ छोटा होता है। नेक्स्ट है हमारा एसएमडी फ्यूज़। एसएमडी की फुल फॉर्म होती है सरफेस माउंट फ्यूज़। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे डीसी वोल्टेज में, जैसे कि हमारी हार्ड ड्राइव हो गई, डीवीडी प्लेयर हो गया, कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए,
जहाँ पे हमारा प्ले स्पेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पर ये जो है फ्यूजेस यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है और ये इजीली रिप्लेसेबल नहीं होते हैं, इसलिए इस टाइप के फ्यूज़ यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, SMD फ्यूज़ और HL फ्यूज़। नेक्स्ट है हमारा रिवायरेबल फ्यूज़। रिवायरेबल फ्यूज़ को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, इसको हम किटकैट फ्यूज़ भी बोलते हैं, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, या फिर इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते थे पहले, अभी भी कई जगह पे यूज़ होते हैं, और ये लो वोल्टेज फ्यूजेस होते हैं, और इसको हम ज़्यादातर, इसके जो बॉडी होती है वो पोर्सलेन, जो हमारा एक इंसुलेटर होता है उसकी बनी होती है, और इसमें जो एलिमेंट यूज़ किया जाता है वो कॉपर या फिर एल्युमिनियम भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो वायर होती है ना, ये ही इसका एलिमेंट होता है। और इसका बेनिफिट होता है कि ये रीवायरेबल होते हैं, मतलब कि इसकी जो वायरिंग होती है वो हम दोबारा से वायर इसमें नई वायर लगा देते हैं जब ये ब्रेक हो जाती है नॉर्मल कंडीशन की वजह से। ये है हमारे थर्मल यूज़, इनको हम बोलते हैं वन टाइम यूज़ ओनली, क्योंकि ये जब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हमारे एक तरीके से बर्न हो जाते हैं और हमें ये फ्यूज़ दोबारा चेंज करना पड़ता है। इसमें जो एलॉय यूज़ होता है इंटरनली, वो होता है हमारा टेम्परेचर सेंसिटिव एलॉय। नेक्स्ट है हमारा रीसेटेबल फ्यूज़। इस फ्यूज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है वहाँ पर जहाँ पर हम इजीली इसको चेंज नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारा एरोस्पेस सिस्टम हो गया, न्यूक्लियर सिस्टम हो गया, वहाँ पर हम इस टाइप के फ्यूज़ यूज़ करते हैं, और ये क्या करते हैं मल्टीपल टाइम यूज़ होते हैं विदाउट एनी रिप्लेसमेंट। ये क्या करते हैं, सर्किट को ओपन करते हैं जब नॉर्मल कंडीशन आती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये ऑटो रीसेट होते हैं, अपने आप को रीसेट कर लेते हैं बार बार, और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देते हैं नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट एक्सप्लेन यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्यूज़। जैसे कि स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, छोटा या बड़ा, सब जगह फ्यूजेस यूज़ किए जाते हैं। तो हमारी मोटर्स, ट्रांसफार्मर, एसी, होम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जनरल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डिवाइसेस, लैपटॉप, सेल फोन, गेम सिस्टम, प्रिंटर्स, डिजिटल कैमरास, डीवीडी प्लेयर्स, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलसीडी मॉनिटर्स, स्कैनर्स, बैटरी पैक्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ऑलमोस्ट सब जगह पर हमारे फ्यूजेस यूज़ किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।